हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ कमाल के इंडियन मूवी सीरियल्स पे। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं, इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर। जैसे कि ये लड़की आराम से चल के आ रही है और ये पैर लगा बैग पे, सर लगा दीवार पे और बैग के अंदर। गुस्से में उसका चेहरा भी नहीं चल रहा है, देखता हूं ठीक भी है कि नहीं। बैग के अंदर पूरी फोल्ड हो गई और उसको एक बंदा उठा के लेके पैक करके चला गया और पानी में फेंक दिया है। पानी में क्यों है वो? I mean, पहले कोई मेरे को ये समझाओ कि वो बैग के अंदर पूरी की पूरी रैप फोल्ड कैसे हो गई और फिर उसके ऊपर से किसी ने जिप लगा दी उसके और फिर उसको पानी में फेंक दिया। अबे जब लेके ही जा रहा था उसके, पानी में कौन फेंकता है बैग को? हाँ, मतलब आज हम ऐसे ही सीरियल्स के सीन्स देखने वाले हैं जिनको देख के आपके मुंह से बस यही निकलने वाला है, ये तो टट्टी है। ओके प्लीज कुछ बोलिए ना। बुरी खबर है। ओह नो, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। ओह शिट मैन, इसके पति को बचा नहीं पाया डॉक्टर। इस दुनिया में नहीं रहे। रेस्ट इन पीस। मतलब कुछ छोड़ते चले गए। I mean, उसने बोला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए, तो हाँ वो आपको छोड़ के चले गए हैं, यही मतलब होता है। बट हो गए है कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? आप है कौन, आप होते कौन है आप ये बोलने वाले कि मेरे पति को बचा नहीं पाए? डॉक्टर है वो जिसने उसका ऑपरेशन करा है और वो नहीं बचा तो वो क्या बोलेगा? और यही बोलेगा ना वो मर गया है। आप सिर्फ एक डॉक्टर है, भगवान तो नहीं है ना आप? मैं अपने पति को बचा के लाऊंगी। क्या क्या कहती, मैं अपने पति को बचा के लाऊंगी? कैसा? मैं उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी। अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, उन्हें मौत के मुंह से निकालकर मैं लाऊंगी। उनका ऑपरेशन अब मैं करूंगी। क्या आप होते कौन है? आप सिर्फ एक डॉक्टर है, भगवान तो नहीं। हट, अब मैं करूंगी ऑपरेशन और सच में जा रही है ऑपरेशन थिएटर में। ओके डॉक्टर भी लाइक साथ जाओ उसके। ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया। सारे हाथ जोड़ रहे हैं, माता रानी प्लीज बचा लो। डॉक्टर कह रहे हैं घबराओ मत, बचा लेगी। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा है। कहा था ना मैंने आपसे, एक सुहागन की आस्था पर कभी शपथ करना। हज के बाद कभी किसी सुहागन से ये मत कहना कि आप उसके सुहाग को बचा नहीं पाए। क्या पागल औरत? अरे वो तो डॉक्टर है, उसका तो काम है ना बोलना, बचा पाए या नहीं बचा पाए। क्या बोले, बधाई हो ये जिंदा है। इशिका देखो, ये जिंदा है। वाओ, आई एम डन, आई कांट टेक दिस एनी मोर। हाथ जोड़ रहे हैं डॉक्टर, आप तो ग्रेट है। वो जो डॉक्टर था वो तो नल्ला है, वो फेक डिग्री लेकर बैठा हुआ था यहाँ पे, उसके कुछ बस की नहीं है। असली डॉक्टर तो आप ही है। हाथ जोड़ रहे हैं भाई, ये उनके सामने क्या चल रहा है भाई। आई लव इंडियन टीवी सीरियल्स, कॉन्टेंट ही कॉन्टेंट। WTF डिड आई जस्ट वॉच। और ये मैडम ने चुन्नी पीछे करी और ओ नो नो नो, पंखे में अटक गई चुन्नी। ओहो, अब क्या होगा? ओ ओ ओ नो, ओ अरे कोई पंखा बंद करो, ओ फैन बंद करो। ओ एक सेकंड, वो मैं तो अभी रियलाइज करा, चुन्नी ऐसे अटकी है उसके गले में, ये ऐसे, और ये इस साइड से जो है पंखे के अंदर चली गई है चुन्नी। ठीक है, इस साइड से पंखे के अंदर है, लेकिन ये वाली साइड तो फ्री है, तो तुम चाहे तो ये वाली साइड को थोड़ा सा दिमाग लगा के यूं निकाल लो, बट नहीं, ये तो सीरियल है। पीछे से लाइट काट दो, बचाओ बचाओ। ओ बचाओ बचाओ, कोई तो कुछ करो। अरे फैन ही ऑफ कर दो, इतनी अकल लिया तो। अबे प्लग क्या खींच रही है बाहर, स्विच ऑफ करना। ओहो ओहो नहीं निकल रहा है, पर चुन्नी तो निकल सकती है, वो भी नहीं निकालेंगे। ओ मर गई बेचारी। ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, खाजा खाजा पूरी चुन्नी खाजा। बच गई गाइस, बधाई हो बधाई हो। एंड में हमारे हीरो ने चुन्नी काट खाई है। बचपन से ही हमारा हीरो जो है वो कुत्ते के लक्षण लेके पैदा हुआ था, आज उसने दिखा दिया है कि वो कुत्ता ही है, क्योंकि अकल तो है नहीं। अगले में चुन्नी ऐसी फंसी हुई है, फिर से डेमो दे रहा हूँ, यू फंसी हुई है, एक साइड से ही तो खिंच रही है, दूसरी साइड तो फ्री है, ये वाली साइड से निकाल लो ना। नहीं हम तो काट खाऊंगा यार, चलता है यार। वेरी नाइस कंटेंट, वेरी डेंजरस। ग्रेविटी मर गई ये देख के। ओहो उसने ऐसा कुछ करा और वो उड़ के नीचे गिर गई। ओहो हो, ओ माय गॉड, अब क्या करेगी वो? गिर रही है, उसे बचाओ, और वो गिर रही है, और वो अभी भी गिर रही है, और इतने में कोई छत पे आ गया है, इंटू 4x पे शुरू हो चुका है, और वो अभी भी गिर रही है। कम ऑन, यू कैन डू इट, एक दिन तुम धरती तक पहुंच जाओगी। और वो अभी भी गिर रही है, और इतने में ऊपर वाली ने अपने हाथों से जादू छोड़ा और वो अभी भी गिर रही है। यस यू कैन डू इट, और जादू उसके हाथ से निकल के अभी तक पहुंच रहा है, लेकिन वो अभी भी गिर रही है, और फिर से 4x पे हो चुका है, वो अभी भी गिर रही है। देर तो नहीं हो गई मुझे? बचा लो। देर तो नहीं हो गई है, मेरे ख्याल से 5 मिनट तो मुझे ही बोलते बोलते हो गया, और वो अभी भी गिर रही है, वो अभी तक जमीन तक नहीं पहुंची है। और इतने में दूसरा सीन शुरू हो गया है। इतने में कोई एक लड़की नीचे से चल के ऊपर छत तक पहुंच गई, ये चाकू लेके इसको मारने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुकी है, और वो अभी भी गिर रही है। फिर से 4x पे शुरू हो गया, और ये पूरे मन में उसने स्टोरी रच ली है। जन्म से लेके अब तक उसने अपनी बहन के साथ जो हसीन लम्हे बिताए हैं वो सब उसने याद कर लिए, और उसकी बहन वो अभी भी गिर रही है। भाई साहब 40 बार तो एक ही सीन दिखा चुके हैं, वो ही वाला, वो ऐसे ऐसे करके नीचे पार्क भी दिख रहा है, और ये अभी भी गिर रही है। Oh yes! Oh yes! 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 Finally! Finally! 1 घंटे के बाद धरती पे टच होने से जस्ट पहले उसकी बहन का जादू आ गया और उसको बचा लिया। तो यहाँ पर गाइज मैं थोड़ी सी फिजिक्स यूज करना चाहूंगा। S = UT + 1/2 AT², जहाँ पे S होता है तुम्हारा डिस्टेंस। टाइम कम से कम 1 घंटा तो था यहाँ पे, यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि 3600 सेकंड्स। कैलकुलेशन के हिसाब से होता है 64,80,000 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की हाइट पता है तुम्हें? 8,800 समथिंग मीटर्स। ये 64 लाख मीटर से, मतलब कम से कम 10,000 माउंट एवरेस्ट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा दूंगा ना अगर मैं। वहां से अगर ये लड़की गिरेगी तब जाके ये धरती पे हिट होने से पहले अपनी बहन के द्वारा जस्ट बचा ली जाएगी। ये है हमारे इंडियन सीरियल्स का लॉजिक। तो जिस हाइट से ये गिरी है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, बट ओनली 13 फ्लोर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिख रहे हैं, 13 14 15 फ्लोर्स भी हो, 20 फ्लोर्स भी हो, पर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो ये कम से कम माउंट एवरेस्ट से गिरी है। ओके, तो उस बहुत ही कमाल के सीन के बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूटन बिलाई उस रात अपन 2 बजे तक पिया, और यहाँ एक और गिरने वाला सीन जहाँ पे लड़की फर्स्ट फ्लोर से गिरी है और हमारा हीरो फर्स्ट फ्लोर से भागते हुए नीचे आ रहा है, और इससे पहले कि लड़की जमीन पे टच हो सके उससे पहले उसने उसको कैच कर लिया है। कुछ हो तो नहीं? अरे कुछ कैसे होगा उसको यार, फ्लैश से भी ज्यादा तेज भागने वाला, सुपरमैन से भी ज्यादा तेज उड़ने वाला, ऋतिक रोशन से भी ज्यादा हैंडसम सुपर हीरो उसकी जिंदगी में, तो उस लड़की को कहाँ ही कुछ हो सकता है। ग्रेविटी जो रुक गई है उस लड़की के लिए नीचे गिरते गिरते में। क्या बात है। हाउ टू मैरी योर क्रश। ओहो, ओ उसको धक्का देके मैंने खुद पहन ली वरमाला, क्या बात है क्या बात है। अरे ये तो अपने शार्क टैंक इंडिया वाले अमन गुप्ता भाई हैं, सेम टू सेम अमन गुप्ता भाई। और ये दूल्हे से चीनी वरमाला और खुद पहना दी। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और वाह, सिंदूर लिया और लगा दिया। मीनवाइल दूल्हा, दूल्हे के घर वाले, दुल्हन के घर वाले भी लाइक हाँ, तू कर ले आराम से, तू कर ले, जब तुम्हारा हो जाए तो हमें बता देना। सबके शॉकिंग वाले रिएक्शन क्या दिखा रहे हो? मतलब कोई भी रैंडम चिरांद सा लौंडा उठ के आएगा और किसी भी होने वाली दुल्हन के गले में वरमाला डाल के सिंदूर लगा देगा और बोल देगा ये मेरी पत्नी हो गई, यहां से थोड़ी ना चलते। बाकी लोग क्या भाई वहां पर तालियां बजाने आए हैं, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। एवरीबडी इज लाइक हाँ ये हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सिंदूर लगा दिया चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ वरमाला डाल दी चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मंगलसूत्र भी डाल दिया। ये सिंदूर लगाने की निंजा टेक्निक। विलन ने सेल गिराया जिससे एक आंटी जी जो है वो फिसली और उन्होंने प्लेट उड़ा दी। गिरते गिरते में प्लेट क्यों उड़ाई भाई, गिरी रही थी तो ऐसे करने की क्या जरूरत थी। सिंदूर की प्लेट स्लो मोशन में घूमते हुए और सबके स्लो मोशन में रिएक्शन आ रहे हैं। और अब विलन ने हीरोइन को करा साइड में। अब मुझ पर होगी सिंदूर वर्षा, अब मुझ पर होगी सिंदूर वर्षा। क्या बात है जी, क्या बात है। स्लो मोशन में सिंदूर की प्लेट अभी भी गिरते हुए और विलन यहाँ पे तैयार है सिंदूर की वर्षा अपने ऊपर करवाने के लिए, लेकिन हीरोइन ने उसको धक्का दे दिया है और वो जाके गिर पड़ी है। हीरोइन ने सिंदूर कैच कर लिया है और विलन के माथे पर राख लग गई है, लेकिन सिंदूर की कैचिंग जो है वो तो हमारी हीरोइन ने कर ली है। दिस अमेजिंग सीन जस्ट गेव मी कैंसर, आई स्वेयर। ये देखने के बाद मुझे कैंसर हो चुका है। एनीवेज गाइस, आज हमारे पास इतना ही माल था हंसने के लिए। और इंडियन सीरियल पर अगर तुम वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स में कुछ अच्छे अच्छे सीरियल्स के नाम वगैरह मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। एंड वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। आई विल बी बैक नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर वीडियो। चिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।